नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद मिशन शक्ति के अंतर्गत थाना टूंडला में एक दिन के लिए एक बेटी को बनाया गया थाना प्रभारी, जहां सरिता धनगर को एक दिन के लिए बनाया गया टूंडला थाना प्रभारी निरीक्षक। एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनकर बेटी ने करी जन सुनवाई। वहीं रोड पर खड़े वाहनों को चेक किया, सही जगह खड़ा करने के निर्देश दिए। आए फरियादियों की समस्याओं को भी सुना। प्रदेश सरकार की मुहिम पर बेटियों को बनाया जा रहा है सशक्त। इस दौरान इंस्पेक्टर थाना टूंडला प्रदीप कुमार सहित पुलिस बल तैनात रहा। मिशन शक्ति के अंतर्गत थाना टूंडला में एक दिन के लिए बेटी बनी थाना प्रभारी सरिता धनगर को आज एक दिन के लिए बनाया गया थाना टूंडला प्रभारी निरीक्षक। एक दिन के लिए थाना अध्यक्ष बनकर सरिता ने जन सुनवाई भी की। वहीं रोड पर खड़े वाहनों को चेक भी किया, सही जगह खड़ा करने के निर्देश दिए। आए फरियादियों की समस्या को सुना और इस दौरान इंस्पेक्टर थाना टूंडला प्रदीप कुमार सहित पुलिस बल भी तैनात रहा। रिपोर्ट देखिए ऋषि पंडित के साथ। प्रता जी, आज आपको टूंडला थाने का एक दिन का इंस्पेक्टर बनाया गया, कैसा महसूस कर रही हैं और किस तरह की शिकायतें आपके सामने आई हैं? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे चुना गया इस अफसर के लिए, और मैं बाकी महिलाओं की शिकायतें सुन के उनका निवारण करूंगी। मैं पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगा कि मुझे ही चुना गया और मैं कुछ ना कुछ करके, अपनी मेहनत करके सिविल सेवा ही चुनना चाहूँगी। किस तरह आप बाजार में जब जाएंगी तो किस तरह की महिलाओं को जागरूक करेंगी और क्या कहेंगी उनसे? हर तरह की, मतलब जो मिडिल एज की और बुजुर्ग, सबके ऊपर अत्याचार हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे या मतलब टीनेजर के ऊपर अत्याचार हो, सबके ऊपर हो सकता है। मिशन शक्ति सबके लिए चलाया गया है। अच्छा, सरकार द्वारा जो मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत अच्छा अभियान है। जो सरकार ने ये कदम उठाया है वो बहुत बहुत बढ़िया कदम है। जो महिलाओं की सुरक्षा का धनगर है, मैं BBA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर संजीव कुमार है और मेरे घर में हम चार भाई बहन हैं